बच्चों, हम बात शीर्षक निबंध को पढ़ रहे थे जो कि प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। लेखक ने इस बात शीर्षक में बताया है कि बात इस संसार में जो भी कुछ है वह क्या है, बात पर आधारित है। हम आपस में अपने हृदय में स्थित भावों को जो व्यक्त करते हैं वह भी क्या है, बात है। और बात के द्वारा ही, चाहे वह साकार ईश्वर को हम मानने वाले हों या निराकार ईश्वर को मानने वाले हों, उन तक भी हम बात के माध्यम से ही जुड़ते हैं। फिर आगे लेखक क्या कहते हैं कि जैसे ईश्वर के अनेक रूप हैं, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई गॉड को मानता है, उसी तरह से जैसे ईश्वर के विभिन्न रूप हैं वैसे ही बात के भी विभिन्न रूप हैं। जैसे छोटी बात, बड़ी बात, सीधी बात, खोटी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, ये बात के अनेकों रूप हैं। और जो हमारे आपस के भाव हैं, चाहे घृणा का भाव हो, प्रेम का भाव हो, ईर्ष्या का भाव हो, उत्साह का भाव हो, यह सब भी बात के द्वारा ही हम आसानी से, सहजता से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम किसी से प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो हमारे बातचीत का तरीका या हमारी जो बातें होंगी ऐसी होंगी जो उसके हृदय को प्रभावित कर देंगी। और यदि हम क्रोधित हैं, नाराज़ हैं, तो हम इस तरह की बातें करते हैं कि वह हमारे हृदय में स्थित नाराजगी, हमारे मन का क्रोध वह सामने वाले पे स्पष्ट पता चल जाता है। तो यह जो बात है, उस बात के द्वारा हम चाहें तो अपने को दूसरों से प्रेम संबंध स्थापित कर लें, या चाहें तो हम घृणा का भाव भी इस बात के द्वारा ही रखते हैं। हमारा प्रेम हो, वैर हो, मित्रता हो, सब कुछ बात के द्वारा ही होता है। फिर आगे क्या कहते हैं कि यह जो बात है, इस बात के तत्व को समझना इतना आसान नहीं है। जैसे ईश्वर को समझना आसान नहीं है, वैसे ही बात भी बहुत गूढ़ बात होती है। और इस बात को समझने और समझाने में जो हमारे बड़े बड़े विद्वान हैं, जो हमारे बड़े बड़े कवीश्वर हैं, जो हमारे बड़े बड़े मुनि हैं, हमारे वेदों में भी केवल बात ही बात कही गई है। अब यह जो बात है, जब सहृदय व्यक्ति बात करता है तो उसके बात से हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और यदि वही बात कोई दुष्ट व्यक्ति करता है तो उसकी बातों से हमें आनंद की अनुभूति नहीं होती है। छोटे छोटे बच्चे भी बात के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। लेखक का कहना है, या हम देखते भी हैं, कि बात के द्वारा केवल मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु भी बात के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। यदि आपके घर में कोई पालतू जानवर है, गाय है, कुत्ता है, या आसपास सड़क पे भी आप देखते होंगे, तो कुत्ता जो है वह हमारी बात को नहीं समझता है, गाय हमारी बात को नहीं समझती है, फिर भी, क्योंकि वह बोलने वाला प्राणी नहीं है। और मनुष्य क्या है, बोलने के कारण ही समस्त प्राणियों में, सभी जीवधारियों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो जब हम कुत्ते को प्यार से तू तू करते हैं तो वह हमारी बात सुन करके हमारे पास आ जाता है। गाय को भी हम प्यार से सहलाते हैं तो वह गाय भी हमारी बात को समझती है। तो हम बात किस तरह से कर रहे हैं, इसका प्रभाव मनुष्य तो क्या सभी जीवधारियों पे भी पड़ता है। इसके बाद हम फिर पढ़ेंगे।